हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक भार्गव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भार्गव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन इन 2017, 2017 के जो बहुत ही प्रमुख क्वेश्चन है 25, वो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। अगर आप तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के आने वाले सभी एग्जामों की, यानी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, देखिए छत्तीसगढ़ व्यापम का, पीएससी का या फॉरेस्ट का, किसी का भी एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2017 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 2017 में जो करंट अफेयर का पार्ट है उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से वही बात कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे ऐसा लाल कलर का बटन है, इसे दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है, और इसके सामने एक बेल का आइकन होगा उसे भी दबा ले, ताकि आप लोगों को जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका अपडेट तुरंत मिल जाए, ठीक है। देखिए बहुत कम लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे कमेंट मेरे को मिले अभी कुछ ही दिनों में, जो मैंने छत्तीसगढ़ पुलिस के रिगार्डिंग जो वीडियोस बनाए थे कि उसका एग्ज़ाम कब होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा। तो देखिए मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को पैटर्न पूछना था तो मैं पैटर्न बता देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे। देखिए उसका पैटर्न क्या है कि CGSI की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सीजी पुलिस SI की बात कर रहा हूँ। 100 नंबर का उसके अंदर में एक प्री एग्ज़ाम होता है जिसे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कहा जाता है, ठीक है, 100 नंबर का होता है, जो 100 नंबर का होगा। उसके बाद 300 300 का आपका मेंस होगा, अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया तो 300 300 का मेंस होता है इसके अंदर, और 100 नंबर का इसके अंदर में इंटरव्यू भी होता है, ठीक है, और इसके अंदर में फिजिकल टेस्ट होता है। देखिए दो दो टाइप के इसके अंदर टेस्ट होते हैं, एक तो होता है PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो आप लोगों की हाइट और चेस्ट वाला होता है, ठीक है। उसके बाद में होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ठीक है, इसके अंदर में 100 मीटर गोला फेंक, ऊंची कूद, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब होते हैं उसके अंदर में, ठीक है। तो ये इसका एक पैटर्न है, और इसका सिलेबस, सिलेबस में देखिए कुछ ही नहीं रखा है इसके अंदर में। आप सीजी का GK पढ़ लीजिए, इंडिया GK पढ़ लीजिए, आप रीजनिंग की तैयारी करिए, आप एप्टीट्यूड की थोड़ी तैयारी करिए, यही सब इसके अंदर में पूछा जाता है। अब एग्जैक्ट सिलेबस ये सीजी पुलिस की साइट पर जब आ जाएगा तो मैं आप लोगों को कन्फर्म बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के रिकॉर्डिंग है। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं 2017 के, ठीक है, बहुत छांट कर लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देश का प्रथम ट्राइबल म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर छत्तीसगढ़ में कहाँ बनाया, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो ये बनाया नया रायपुर में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मुझे यहाँ लेना पड़ गया, ठीक है। प्रदेश का प्रथम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है, देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सस्पेंशन ब्रिज के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सस्पेंशन ब्रिज, अगर आप मुंबई गए होंगे तो आपने देखा होगा सस्पेंशन ब्रिज बना है, जो कि स्टील की तारों और कंक्रीट से बना होता है। जैसे ये नदी है तो ये पुल है, यहाँ पर कोई पिलर नहीं है, बिना पिलर के जो ब्रिज होता है उसे सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं, ठीक है, तारों से बना हुआ रहता है ये पूरा, ठीक। तो ये बन रहा है महानदी राजिम, ठीक है, कहाँ पर बन रहा है, तो महानदी राजिम, प्रदेश का पहला सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है। कृषि के विकास तथा कृषकों के आर्थिक उत्थान हेतु राज्य शासन द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप राज्य को कितने बार कृषि कर्मठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है। तो ये 4 बार प्राप्त हुआ है, देखिए मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ। धान उत्पादन हेतु 2010, 2011, 2012, 2013 एवं 2013-14 में, तथा दलहन उत्पादन हेतु 2014-15 में, जो कि राज्य के कृषकों को समर्पित है, जिनकी मेहनत के फलस्वरूप ही राज्य को उक्त पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो धान हेतु 3 बार प्राप्त हुआ है, 2010, 2011, 2012, 2013 और 2013-2014, ठीक है, और दलहन हेतु 2014-15 में, तो 4 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। चिरौंजी और इमली के लिए शासकीय कोल्ड स्टोरेज राज्य के किस जिले में खोले जा रहे हैं, तो ये बस्तर जिले में खोले जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर राज्य में कहाँ प्रारंभ किया जा रहा है, तो ये रायपुर में प्रारंभ किया जा रहा है। देखिए ये पहला है, रायपुर में जो प्रारंभ किया जा रहा है ये क्या है, पहला। अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज़ आया है कि इसका दूसरा प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर कोरबा में भी खोला जाएगा, ठीक है। तो पहला रायपुर में खोला जाएगा और दूसरा कोरबा में खोला जाएगा, तो याद रखिएगा। विश्व का प्रथम रोमेल्ट तकनीक का उद्योग छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये स्थापित किया जा रहा है बस्तर में। देखिए रोमेल्ट तकनीक क्या होता है, देखिए बस्तर में बालाडीला में क्या होता है, लौह अयस्क होता है जो उत्पादन होता है, वहाँ पर क्या होता है 50% अशुद्धियाँ बाहर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है ये रूस की टेक्निक है, इसमें जो अशुद्धि होता है उसको भी पिग आयरन में
हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे बहुत सारे हमको बेनिफिट होते हैं। तो ये रोमेल तकनीक के बारे में आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया 6 क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट बोधघाट कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये बारसूर में प्रारंभ हुआ है, ठीक है, कहाँ? बारसूर में। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 2017-18 के लिए राज्य का बजट कब प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया 6 मार्च 2017। देखिए, आपको अगर बजट से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए, बजट से रिलेटेड इसके मुख्य पॉइंट, ठीक है, क्योंकि बजट तो बहुत बड़ा है, इसको बनाते बनाते 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, इसलिए मुख्य पॉइंट या मुख्य क्वेश्चन अगर आप लोगों को चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा 2017 के बजट के ऊपर में। अगर मुख्य पॉइंट या इस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के अगर वीडियो बनाने के लिए आप बोलेंगे तो मैं बना दूंगा। आप वीडियो के नीचे कमेंट कर कर मुझे बताइएगा, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उस हिसाब से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नवा क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नवा। डायल 112 योजना का संबंध किससे? हॉस्पिटल, पंचायत, पुलिस सहायता, डाकघर। तो ये है पुलिस सहायता से। देखिए, ये 112 करने पर क्या होगा, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो 10 मिनट में पुलिस आपकी सहायता के लिए पहुंच जाएगी, अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो 30 मिनट में आपके पास में पुलिस सहायता पहुंचेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, क्वेश्चन में पूछने लायक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। कि पुलिस सहायता 112, ठीक है, 10 मिनट में शहरी क्षेत्र में और 30 मिनट में ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचेगी पुलिस, ठीक है। दसवां क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया है? तो ये किया गया है नया रायपुर तेंदुआ गांव, तेंदुआ ग्राम में, ठीक है, ये भी याद रखिए गया, तेंदुआ ग्राम, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो रायपुर तेंदुआ, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, 140 किलोमीटर लंबी रावघाट जगदलपुर रेल लाइन का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ आके कब किया? तो यह किया 9 मई 2015 को, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर रेलवे वैगन वर्कशॉप में मालगाड़ी के डिब्बे बनाने क्षमता 2016 में प्रति माह बढ़कर कितनी हो गई है? ठीक है, रायपुर रेलवे वैगन की बात हो रही है, ठीक है, तो ये क्षमता हो गई है 500, ठीक। देखिए, हर इंडिया में जो वैगन यानी डिब्बे जो बनते हैं वो बनते हैं प्रति माह 4,000, ठीक है, सब मिला के जहाँ जहाँ बनते हैं वहाँ। तो इसका प्रथम स्थान आता है झांसी में, झांसी में सबसे ज़्यादा बनते हैं, उसके बाद में आता है हरियाणा और तीसरे नंबर में रायपुर, जो अब दूसरे नंबर पे हो गया है, ठीक है। 500 डिब्बे बनाकर अब दूसरे नंबर पर आ गया है इसका स्थान, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 13वां क्वेश्चन, देश का पहला दिव्यांग भवन कहाँ बनेगा? जहाँ 150 लोगों के रहने और आत्मनिर्भर बनाने हैं तो प्रशिक्षण की व्यवस्था भी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये राजनांदगांव में बनेगा, इनके लिए ई लाइब्रेरी भी बन रही है, ठीक, दिव्यांगजनों के लिए ई लाइब्रेरी का भी राजनांदगांव में जो बनने का वो है, ठीक है। इसका 14वां क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया है? ठीक है, मोबाइल ऐप, तो ऐप से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया है? तो ये मोर खीसा ऐप, ठीक है, कौन सा? मोर खीसा ऐप। तो ये 14 क्वेश्चन हो गए। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत राज्य के किस जिले में की गई है? तो ये की गई है राजनांदगांव में, ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी। हॉकी खिलाड़ी रेणुका यादव का चयन ओलंपिक टीम में किस स्थान पर हुआ था? स्थान का मतलब है कि हॉकी में जो फील्ड होता है उसमें कौन सा स्थान पर ये खेलेंगी, तो ये खेलेंगी मिडफील्डर में, यानी खेल चुकी हैं, ठीक है। तो इनके बारे में और थोड़ा सा देखिए, रेणुका यादव जी के बारे में ये क्वेश्चन यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो और भी देख लेते हैं रेणुका यादव जी के बारे में। देखिए, इनसे इनका पूछ सकता है कि इनका जन्म दिवस तो 18 जुलाई 1994, भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, रियो, देखिए पूछा भी जा सकता है कि रेणुका यादव कौन सी खिलाड़ी है, तो हॉकी की खिलाड़ी है, रियो ओलंपिक 2016 में आने वाली है, सबसे युवा खिलाड़ी बनी थी, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की हैं, ठीक है। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन यानी देख लीजिए, ताकि इनमें से भी कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप बना सकती हैं। और ये दूसरी खिलाड़ी है, ठीक है, पहली सबा अंजुम है जो हॉकी की छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, टीवी में प्रसारित सो यू थैंक यू कैन डांस, देखिए ये एक डांस शो था, डांस रियलिटी शो था, का पहला सीजन छत्तीसगढ़ के किस प्रतिभागी ने जीता? ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार किसी छत्तीसगढ़ के जो प्रतिभागी हैं उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये हैं अलीशा पहरुआ, ये रहने वाली हैं भिलाई की, 17 वर्षीय है, ठीक है। छत्तीसगढ़, 8वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में प्रायोजित नीर निधि मोबाइल ऐप
संबंधित है। देखिए मोबाइल ऐप जितने भी हैं वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो निर्निधि है सिंचाई परियोजना से, देखिए इसके बारे में और बताते हैं। जल संसाधन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के बांधों में जल भराव की स्थिति की तत्काल जानकारी देने के उद्देश्य से विभाग द्वारा तैयार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निर्निधि का शुभारंभ किया, ठीक है। किसने किया? तो बृजमोहन अग्रवाल ने, बांधों में जल भराव की स्थिति की तत्काल जानकारी के उद्देश्य में, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सी योजना, तो नीर निधि मोबाइल ऐप और सिंचाई परियोजना, ठीक। 1900 क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सभी ग्राम पंचायतों में इंटरनेट सेवा प्रारंभ हो चुकी है? सभी ग्राम पंचायतों में, ठीक है। कौन सा जिला है वो जहां पर इंटरनेट की सुविधा प्रारंभ हो चुकी है? पहले क्या होता था, डोंगल से ये सब जगह पर इंटरनेट चल रहे थे, ठीक है। तो कहीं वो नहीं हो पा रहा था, यानी सुविधा जो थी वो उपयुक्त नहीं हो पा रही थी, बहुत सारे डाटा छूट जा रहे थे, बहुत सारी जानकारियां छूट जा रही थी। इसलिए अभी बहुत सारी योजनाएं चल रही है जिसके तहत भारत नेट, बता देता हूं आप लोगों को कि भारत जो नेट है वो 10,000 गांव में इंटरनेट की ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है, ठीक है। तो अभी जो है वो है बलरामपुर के सभी ग्रामों में इंटरनेट सेवा प्रारंभ हो चुकी है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी पास करने वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन से नंबर का राज्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है पांचवा राज्य, 22 अगस्त 2016। इसके बाद में देखते हैं 21वां क्वेश्चन। रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा हम सफर एक्सप्रेस का शुभारंभ कहाँ किया गया? देखिए हम सफर एक्सप्रेस जो है, देखिए पहले पढ़ लेते हैं। हम सफर एक्सप्रेस पूरी तरह से 3 टायर AC डिब्बों वाली रेलगाड़ी है। पहली हम सफर एक्सप्रेस गोरखपुर से चलाई जाएगी और ये जो है छत्तीसगढ़ में ये है दुर्ग से चलाई जाएगी, दुर्ग से दिल्ली, ठीक है। दुर्ग से दिल्ली 20 घंटे के लगभग लगेंगे हमको दिल्ली पहुंचने में, दुर्ग से, ठीक है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायतों को किस योजना के तहत इंटरनेट से जोड़ा जाएगा? देखिए अभी मैंने आपको बताया था किस योजना से, तो भारत नेट योजना से, ठीक है। भारत नेट ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराएगा छत्तीसगढ़ के ग्रामों में, ठीक है। तो ये 22 क्वेश्चन हो गए। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। लोक सुराज अभियान कब से कब तक चला? लोक सुराज अभियान कब से कब तक चला, ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये चला 3 अप्रैल से 20 मई तक। कब तक? 3 अप्रैल से 20 मई तक, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 24वां, इसको तो एकदम टिक करके रखिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो ये बने हैं TB नायर राधाकृष्णन, ठीक है। TB नायर राधाकृष्णन। इससे पहले कौन थे? इससे पहले दीपक गुप्ता थे, उनसे पहले कौन थे? नवीन सिन्हा थे, ठीक है। 25वां क्वेश्चन। बस्तर की पहली महिला CRPF ऑफिसर कौन बनी? CRPF का मतलब क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। तो ये बनी है उषा किरण। उषा किरण के बारे में आपको बताता हूँ कि उषा किरण जी के दादाजी भी CRPF में थे, उनके पिताजी भी CRPF में थे, उनके भाई भी CRPF में सेवारत हैं, ठीक है। तो उषा किरण CRPF ऑफिसर बनी है, बस्तर की पहली महिला CRPF ऑफिसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये 25 क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ कर जाएंगे या पढ़ लेंगे, आप इनका नोट्स बना लेंगे, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत छांट कर मैंने निकाले हैं सारे क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी CG व्यापम में जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें इस 25 क्वेश्चन में मैं आप लोग को लिखित गारंटी देता हूं कि 5 से 10 क्वेश्चन आपके इन्हीं क्वेश्चनों में से आएंगे। जितने भी मैं अभी वीडियो बना रहा हूं करंट अफेयर के ऊपर में, ये उनमें से बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप CG पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि CG पुलिस के रिगार्डिंग मैं कुछ ही टाइम बाद सारे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। क्यों नहीं अपलोड कर रहा हूँ? तो देखिए सपोर्ट नहीं मिल रहा आप लोगों का, बहुत कम सब्सक्राइबर है। मैंने पहले भी कहा कि हमारे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। मैं बोलता हूँ कि चैनल पर इतने वीडियो पे लाइक होने चाहिए, कोई लाइक नहीं करता है, ठीक है। कमेंट करने के लिए बोलता हूँ कि कैसा आपको वीडियो चाहिए, कोई कमेंट नहीं करता है। देखिए बहुत कम कमेंट आ रहे हैं, बहुत कम लाइक्स आ रहे हैं, शेयर कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग को अगर तैयारी नहीं करनी है तो आप लोग बता दीजिए, और तैयारी करनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को CG पुलिस के रिगार्डिंग सारे के सारे वीडियो, सिलेबस के रिगार्डिंग, पैटर्न के रिगार्डिंग सब बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करने के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि अगर छत्तीसगढ़ बजट का MCQ टाइप का आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।